मुझे ये बताओ बेटा कि जो हमने रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक किया है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो मैंने पढ़ाया, क्या उसको आपको थोड़ा सा फायदा हुआ कि भाई क्या फायदा हुआ? यस मैम, माय ऑल डाउट्स आर क्लियर. डाउट्स क्लियर हुए? डाउट्स थे आपके पहले? कोई टर्म्स क्लियर हुई? यस मैम, अ लॉट ऑफ टर्म्स. आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट कि भाई अब ये चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे? I'm very sure that I can score full marks in that question, that chapter. दैट चैप्टर, वेरी गुड गुरमीत, बैठो बेटा। एनी अदर स्टूडेंट वॉलंटरी आए बेटा, मुझे ना बुलाना पड़े, वॉलंटरी बॉयज में से कोई आए, बॉयज में से निखिल, निखिल इज देयर, निखिल आ जा बेटा, आ जा, ताकि मुझे भी बेटा एक कॉन्फिडेंस हो, हमें भी तो कॉन्फिडेंस हो कि हम बच्चों को कुछ सर्व कर रहे हैं। हमें नहीं ना, हम अपनी बीन बजाई चले, और तुम कहो हमें मैडम बकवास सी, हमें घंटा हमारा खराब कर देती है। डू यू थिंक कि माई टीचिंग या अवर टीचिंग इज इन सम वे इज बेनिफिशियल टू यू? कैसे, Yes. मुझे बताओ, थोड़ी सी एग्जाम्पल देके बता दो कि पिछले चैप्टर में आपको क्या नहीं आता था और क्या समझ में आ गया। थोड़ा सा कोई मुझे बताओ, मैथ्स का बता दो, साइंस का बता दो, इलेक्ट्रिसिटी का बता दो। मैम हाँ, मैथ्स में क्या फायदा हुआ आपको? ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आपको समझ में आई वो? यस मैम ने 2-3 बार रिपीट करवाए थे क्वेश्चंस, डिड यू अंडरस्टूड फुली नाउ? यस ठीक है, बैठो। एनी अदर, बैठो निखिल, एनी अदर स्टूडेंट हु कैन स्पीक वॉलंटरी? यस यस, हाँ जी, कौन? अमनदीप, कैन अमनदीप टेल समथिंग? यस मैम. हाँ जी बेटा, पहले तो आपने इलेक्ट्रिसिटी सर से पढ़ा था ना सर से? अच्छा, यस मैम. उसमें कुछ आपको क्लैरिटी हुई? यस मैम, ऑल टर्म्स वर क्लियर. अच्छा, नहीं देखो, मैं एक चीज आपके टीचर ने कराई, उसके बाद रेपिटेशन हमने करवाई, ठीक है, उससे क्या फायदा हुआ? एक तो टर्म्स क्लियर हो गई, और अब क्या आप न्यूमेरिकल्स में, आपको कॉन्फिडेंस है कि न्यूमेरिकल्स हम उसके कर लेंगे? यस मैम. सीरीज पैरेलल जो सर ने डिफरेंशिएट करके बताया, क्या उसमें पता चला कि हाँ अब क्लियर है कि सीरीज में कैसे, पैरेलल में कैसे? आउट यस मैम, ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ. ऑल डाउट्स। अच्छा, मैंने अब आपको, मैं हफ्ते से क्लासेस ले रही थी, आपको लगता भी होगा कि रोज मैम आ जाती है, बट डू यू फाइंड एनीथिंग गुड इन दैट? यस मैम, क्या चीज? रिप्रोडक्शन हाँ, फुली फुली क्लियर टू मी. क्लियर। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पहले की थी यस मैम, बट नॉट इन सच अ डीप वे. डीप वे? अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी क्लियर है? यस मैम. क्या आप बता सकते हैं कि भाई अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है कि कंटिन्यू रहती है? स्टॉप फॉर 9 मंथ्स. स्टॉप फॉर 9 मंथ्स, बिल्कुल ठीक है। एग का रिलीज, ओवरी में से एग रिलीज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन। बैठो बेटा, वेरी गुड। एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी कि फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के किन डेज में मैक्सिमम चांसेस है? जल्दी से थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो थोड़ा सा सोचो, फर्स्ट डे से लेके 28th डे तक मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस डे पे मैक्सिमम चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए? यस, एनीबडी रेज योर हैंड्स। हाँ, 14 to 15 days। क्या अब ये चीज क्लियर है आपको? पहले पता थी? नो, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं बेटा, ये चीजें आने भी है, राइट? और जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, हमने ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में आना ही आना है, दिस इज श्योर, और 5 नंबर कार्बन कंपाउंड्स के, और जब मैं करवाऊंगी तो आप कहोगे भी था क्या जो 5 नंबर, 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है, यस और नो? ठीक है, चलिए जी, अब जो है, अब हम सबके पास पेपर्स मिल गए। यस, क्वेश्चन नंबर 1A, ए अंबाला, मैं लिखती भी जाती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टू अंबाला, थ्री दिल्ली डी, फोर
ए अंबाला, फाइव इट इज ए अंबाला, सिक्स डी दिल्ली, सेवन डी दिल्ली। एट डी दिल्ली, नाइन। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, in fifth question, it is in reason it is given that soap has short carbon chain of hydrocarbon, but it is having long chain. हाँ ये ठीक है, आपकी बात ठीक है। 5 का सी आ जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक है। 9C, देन 10C चंडीगढ़, 11B बलाचौर, 12 डी दिल्ली, 13 ए अंबाला, 14 सी चंडीगढ़, एंड क्वेश्चन नंबर 15 के पी जो है, इट इज सिंपल, आप अल्कोहल भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक, क्योंकि तुम्हारी बुक में इथाइल अल्कोहल की एग्जाम्पल दी हुई है, इसलिए यू कैन राइट इथाइल अल्कोहल, क्यू इथीन एंड आर इथेन, और इनकी आई होप एंड राइट केमिकल इक्वेशंस, सी एच थ्री, सी एच टू, आई एम सॉरी, ओ एच प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या कर रहा है? CH2 प्लस वॉटर, दिस इज इक्वेशन वन। CH2 इसमें निकल एज कैटलिस्ट लिखा हुआ है, यस निकल एज कैटलिस्ट, एंड इट फॉर्म्स इथेन, एंड इथेन ऑन बर्निंग कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑन बर्निंग इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप ये देखो कि ये सिंपल से है, एंड यू विल गेट फुल 5 मार्क्स, और ये 100% ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? तो इसके पहले हफ्ते 1 1 मार्क्स, मतलब 14 मार्क्स तो है ही है, और उसके बाद हम ये 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स 6 मार्क्स का, और 20 मार्क्स में से आपने देने हैं कुछ, इन तीनों में से कोई सी एक चीज ठीक हो तो उसको मार्क कर देना। किसी ने अल्कोहल लिखा हो, और यहाँ पे आई एम सॉरी, और यहाँ पे आप एल्कीन लिखी हो, और यहाँ पे एल्केन लिखा हो तब भी ठीक है, या इथीन, या इथेन, कुछ भी लिखा हो तो ठीक करो। चलो जल्दी से, जल्दी से मार्क कर लो, नंबर 2 स्टूडेंट्स को और टीचर को दे दो पेपर, और फिर एक स्टूडेंट आके मुझे मार्क्स बता दे। एक दूसरे के नहीं बेटा, एक दूसरे के नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बच्चे, अपने अपने।
हमें ये पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे डाउट्स है, ताकि फाइनल में आपके फुल मार्क्स आए बच्चे। मैम इसके बाद ना किसी स्टूडेंट जिसकी आवाज ठीक हो उसको भेज के मुझे मार्क्स भी नोट करवा देंगे। और संभाल के रखनी है शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स है, करो इनको। बेटा आके मुझे मार्क्स जिस जिसके शीट्स मिल गई है वो मुझे मार्क्स नोट कराते रहो। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आगे आ जाओ। मैं स्टार्ट हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा। टेंथ हम फर्स्ट लीड्स ऑफ 10 थे। ए हाँ जी सिमरनप्रीत सिमरनप्रीत, 14, 1 मिनट बेटा, सिमरनप्रीत 14, यशु यशु 18, 18, सिमरन नायर कौन सा सेक्शन है बेटा ये भी बता दो। अच्छा 10th ही जी सिमरन नैयर हाँ जी कितने हैं, 13, 13, इंद्रप्रीत कौर इंदरप्रीत 17, 17, सुखलीन सुखलीन 15, सिमरनप्रीत 15, कौर सिमरनप्रीत कौर 14, 14, पूजा पूजा 17, सेवनटीन, प्रिशा परीक्षा 6, 6, रबशगन रबशगन 14, 14, अंजलि 15, अंजलि 15, 15, गुरनीत 7, परनीत 7, 7, रमनदीप 4, रमनदीप 4, हाँ नाउ इट्स ऑफ 10th बी, जी निखिल निखिल 6, 6, जीवन जीवन 7, 7, प्रभदीप सिंह प्रदीप 7, 7, यश यश 7, 7, सुखमन सुखमन 5, फाइव, मैन फ्रॉम 10th है साहिल 5, साहिल अजोत फाइव, सिंह ढिल्लो हरजोत सिंह 6, कृतिका कृतिका कौन से सेक्शन की है बेटा। अच्छा टेंथ जी हाँ जी कृतिका 11, 11, बस दैट्स ऑल। इतने ही स्टूडेंट्स हैं और भी होंगे, ये तो मैम बहुत सही है। प्रभदीप कौर 10th बी, प्रदीप कौर हाँ जी 1, वन, जुझार सिंह जुझार सिंह कितने हैं जुझार के बेटा, 4, फोर, जैस्मीन 3, जैस्मीन 3, सिमरन सिमरन 6, सिक्स, मनकरन मनकरण 5, फाइव, अमनदीप अमनदीप 6, सिक्स, शगुन शगुन 12, 12, पुलीन कौर प्लीन कौर फाइव, 5। बस बेटा और भी देखो जरा, क्योंकि मेरे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 स्टूडेंट्स है, देखिए जरा।
मैम चेक करना जरा, 28 है। ओके यस मैम। जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, चलिए अब जरा यशु आ जाए सामने। बेटा देखो, ये दो तीन स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सबका तो हाल। हाँ जी यशु, कम फॉरवर्ड। यस गुड। चलिए जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दो जल्दी से, कि वेंडरवॉल फोर्सेस है। आपने ए ऑप्शन की है, यस और नो? यस मैम। वेंडरवॉल फोर्सेस के कारण ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों है? यही है ना कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, है ना? और उसके बाद है वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। व्हाई व्हाई दिस रीजन इज करेक्ट? मैम बिकॉज उनमें जो अट्रैक्शन होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, जैसे वो ज्वाइन होते हैं कार्बन एटम कार्बन वो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होते हैं। एटम्स में तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना, यस वो तो स्ट्रांग ही होंगे। किसमें स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है? ग्रेफाइट इन वैंडर वाल्स फोर्स उसके नहीं, कार्बन वेंडरवॉल फोर्सेस किसके बीच में है? कार्बन एटम्स। एटम्स के बीच में नहीं है बेटा। चलो अब बैठो, मैं बताती हूँ। लिसन हियर एवरीबडी, कि ये ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों है? क्योंकि जो कार्बन की लेयर्स है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन की लेयर्स है इनके बीच में जो है ये बॉन्डिंग है, ये कौन सी है? दीज आर वेंडरवॉल फोर्सेस। जो कार्बन कार्बन में है वो तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स है, वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, बट जो डिफरेंट लेयर्स अटैच्ड है उनमें वेंडरवॉल फोर्सेस है, एंड वेंडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, ठीक है? ड्यू टू विच द डिफरेंट लेयर्स दे स्लाइड ओवर ईच अदर। लिखो यहाँ पे बाकी के, बुक्स बंद कर दो, बुक्स हमें नहीं चाहिए, क्लोज योर बुक्स, ठीक है? क्योंकि 20 में से देखो 7, 5, 6, 1 ये नंबर है बेटा, ठीक है? किसी के 17, 18 भी है, दैट्स गुड, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। तो इसलिए बड़ी स्ट्रांगली हमने इस चैप्टर में से 15 या 16 नंबर का पेपर आना है, एंड वेरी इजी चैप्टर। डू यू गेट मी? तो चलिए, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट आर ज्वाइंड बाय वेंडरवॉल फोर्सेस विच आर वीक फोर्सेस, ड्यू टू विच द डिफरेंट लेयर्स दे स्लाइड ओवर ईच अदर। ड्यू टू विच डिफरेंट लेयर्स दे स्लाइड ओवर ईच अदर एंड दस दे आर स्लिपरी इन नेचर। बेटा ध्यान इधर, दरवाजे की तरफ नहीं, दे आर स्लिपरी इन नेचर, राइट? देन इंदरप्रीत, इंदरप्रीत वेयर इज इंदरप्रीत? आ जाओ बेटा, सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअली इंदरप्रीत का ये क्वेश्चन गलत है? अच्छा एक्चुअली जी, चलो बैठो बैठो। एनीबडी हु हैज डन दिस करेक्शन करेक्ट दिस क्वेश्चन करेक्टली? हाँ जी, इंदरप्रीत नहीं तो सुखलीन, पूजा। हाँ जी, जिसका ये क्वेश्चन ठीक है वो एक्सप्लेन कर दो मुझे। हाँ इन सेकंड दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन विच We add sulfuric acid in ethanol. It removes hydrogen and it forms double bond, which forms the formation of alkene, the double bond. This is known as dehydration. आपने आपने मुझे कहा कि इट रिमूव्स हाइड्रोजन, है ना? हम ये बात कर लेते, लेट्स सी। अल्कोहल है, C2H5OH प्लस इथेनॉल है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एम आई राइट बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन?
Ma'am, dehydration agent are those that removes water from means hydrogen from any other atom or molecule. Which removes water की हाइड्रोजन, H2O hydrogen. H2 हाइड्रोजन, am I right? Yes. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स इट रिमूव्स हाइड्रोजन। बेटा जब आपको या मुझे डिहाइड्रेशन हो जाती है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या करो? वाटर मोर टू वाटर पियो। तो अगर हाइड्रोजन हमारे में कमी हो गई तो हम वाटर क्यों पिए, उसमें से हाइड्रोजन मिलेगी, H2O. H2O है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, नॉट हाइड्रोजन। इज इट ओके? तभी तो बेटा देखो इथेनॉल क्या है, ये बहुत स्टूडेंट्स का गलत होगा, इसलिए ये देखो बनाओ, ये क्या मैंने ठीक बनाया है? ठीक है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस इसने एक वाटर रिमूव करना है। एक OH से ले लिया एक हाइड्रोजन और एक इससे ले लिया, यस और नो? वाटर रिमूव हो गया मतलब माइनस वाटर हो गया। तो अब यहां पे देखो क्या बन गया, C2H कितने रह गए, 1 2 3 4 C2H4, और C2H4 क्या है, यही है कि नहीं, इथीन बना के नहीं? ठीक है, पहली बात इसमें क्या आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन का मतलब पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये बनाओगे साथ ही पता चलेगा कि अगर वाटर रिमूव हो रहा है, H2O है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। और यही क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था ही नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन में भी तो यही चीज पूछी गई थी, और हम ये कह रहे कि ऐसे क्वेश्चन हमने किए नहीं। किए नहीं का मतलब ये है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी में प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, तो हम ये कहते हैं, क्वेश्चन ये था कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू एल्कीन, दिस इज करेक्ट। क्यों करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूव्स वाटर। वो रट्टा सा नहीं मारना है हमने रिएक्शन का, पता होना चाहिए। कहीं भी सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखो, कहीं भी सल्फ्यूरिक एसिड है उसने वाटर रिमूव करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हां जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, कृतिका। कृतिका वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। हां जी, मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज इट राइट और नॉट? नहीं, कौन सा है गुड कंडक्टर फिर? पहले तो कार्बन कंपाउंड्स मुझे थोड़े से, प्योर कार्बन कौन से है फॉर्म्स? नहीं नहीं वो तो बात ठीक है, प्योर कार्बन की फॉर्म्स कौन सी है? कैन यू गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर कार्बन? डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट, है ना। क्या ये दोनों इंसुलेटर्स है? नो, विच इज कंडक्टर विच इज इंसुलेटर? कंडक्टर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, इन दोनों में से डायमंड एंड ग्रेफाइट में से कौन सा कंडक्टर है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंडक्टर है, और डायमंड इंसुलेटर। इंसुलेटर है। क्यों ऐसा, दोनों ही प्योर कार्बन की फॉर्म्स है, ठीक है, फिर ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है और डायमंड इंसुलेटर क्यों है? बिकॉज वी नो दीज आर फ्री एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन आर देयर। लेयर्स तो डायमंड में भी है, लेयर्स ग्रेफाइट में भी है, तो ग्रेफाइट में ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? हाँ, सामने देख के बोलो, छोड़ दो असाइनमेंट, छोड़ो। हाँ अब बोलो, बिकॉज वो फ्री है, क्योंकि उसमें एक, हाँ जी, क्या चीज फ्री होती है उसमें? आयंस, एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रहता है टू मूव हियर एंड देयर। ग्रेफाइट में क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्सेस है, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री,
टू मूव हियर एंड देयर ड्यू टू विच दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज करेक्ट, क्योंकि रीजन भी ठीक है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, जैसा आपने बताया. वेरी गुड, बैठो बेटा. क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. नेक्स्ट आ जाइए बेटा, प्रभशगन. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. वैसे तो आपको आंसर्स पता ही है, बट एक्सप्लेन करना है आपने. दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. आपका ये क्वेश्चन गलत है. चलो बैठो प्रभशगन, आप बैठिए बेटा. फिर आ जाइए अंजलि. हाँ जी बेटा, पहले मुझे ये बताइए व्हाट इज कैटिनेशन. वेरी इजी. हाँ सेम एटम फॉर्म्स बॉन्ड विद द सेम एलिमेंट लाइक यस, द सेम एलिमेंट फॉर्म्स द लॉन्ग चेन्स कंबाइनिंग विद देयर सेल्फ ओनली, दैट इज कैटिनेशन. सो कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन, राइट और नॉट? मैम. यस. व्हाई? कार्बन में स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों है? मैम बिकॉज इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. और इट इज टेट्रावेलेंट. टेट्रावेलेंट तो वही है, मतलब फोर इलेक्ट्रॉन्स है. और चलो बैठो, मैं बताती हूँ कि इसमें क्या है. एक तो स्मॉल साइज है, जैसा लिखा है, फोर इलेक्ट्रॉन्स. लिख लो इसमें से क्या है. वाई वाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन. फर्स्ट रीजन स्मॉल साइज. फर्स्ट रीजन है स्मॉल साइज. लिख लो बेटा अंजलि, आप भी लिख लो, बच्चे बातें नहीं. स्मॉल साइज. सेकेंड, ये बेटा क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स में. वाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन. तो पहला है स्मॉल साइज, दूसरा पॉइंट आ जाता है दैट इज इट फॉर्म्स टेट्रावेलेंसी तो है, बट उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे बेटा. इट अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग इट्स फोर इलेक्ट्रॉन्स. इट अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन बाय बाय शेयरिंग इट्स फोर इलेक्ट्रॉन्स, दस अटेनिंग टेट्रावेलेंसी. तो ये इतना शेयर करता है, इतनी शेयरिंग, तो इसलिए बहुत सारे अदर कंपाउंड से भी और अपने साथ साथ भी इट फॉर्म्स यू नो मैक्सिमम चेन्स, लॉन्ग चेन्स, दैट इज कैटिनेशन. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. ये मुझे एक गर्ल ने ठीक भी करवाया था. वेरी गुड. दैट सोप हैज ए गुड क्लींजिंग एक्शन, बट सोप में क्या है. इट हैज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड आर शॉर्ट आयोनिक पार्ट. अब मुझे बेटा कौन सा स्टूडेंट हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब बताएगा. रेज योर हैंड्स. हां जी, शगुन. शगुन इज देयर. यस हाँ जी मैम. बेटा, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक आर द वंस व्हिच कैन बी मिसेबल इन वाटर व्हिच कैन रिएक्ट विद वाटर. विच रिएक्ट विद वाटर. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक इज विच आर मिसिबल विद वॉटर. ठीक है. यस एंड हाइड्रोफोबिक विच व्हिच कैन नॉट बी मिसेबल इज इन वाटर. नॉट, है ना. इंग्लिश वर्ड, बैठो बेटा. फोबिया, फोबिया होता है रिपल्शन, डर होना. इंग्लिश का वर्ड है ये. आपने मुझे टर्म्स बता दी फटाफट से जो हमने याद की हुई थी. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. बट याद रखने के लिए याद रखो फोबिया. आई एम फोबिया, आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, है ना. आपने सुना होगा क्लॉस्ट्रोफोबिक टर्म, सुनी है. क्लॉस्ट्रो होता है, हमें बंद जगह से डर लगता है. ठीक है ना. जैसे मैं हूं, मैं ना वो जो छोटी छोटी मार्केट्स है, मैं वहां नहीं जा सकती. मुझे ऐसे लगता है कि हाय अगर ये मार्केट जरा सी गिर गई तो सब लोग तो यहीं दब जाएंगे. आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, आई कैन नॉट गो. ठीक है. सो फोबिक मीन्स डरना, रिपेल करना उस चीज से. हाइड्रो मीन्स वॉटर, तो हाइड्रोफोबिया रिपल्शन फ्रॉम वॉटर, नॉन सोलूबल इन वॉटर. एंड हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स लव, सो लव विद वॉटर.
ठीक है, टर्म्स लिखो बेटा, कहीं भी आ सकती है ये। फोबिया मीन्स रिपल्शन, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, रिपल्शन अट्रैक्शन एंड हाइड्रो मीन्स वाटर। सो फिफ्थ का ऑप्शन सी, रीजन की स्टेटमेंट गलत है। सिक्स्थ कौन बताएगा बेटा, रेज योर हैंड्स, किसका सिक्स्थ ठीक है, किसी का ठीक है कि नहीं? चलो मैं बता दूंगी आंसर, बट किसी का ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, एक स्टूडेंट है। हाँ जी बेटा, आ जाओ पीछे से। यस कम, सेकंड लास्ट बेंच से, देयर इज वन गर्ल, कम क्विकली। इतने स्टूडेंट में से 28 में से सिर्फ एक का ठीक है, वेरी बैड। हाँ बोलिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ग्रेडेशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्यों फॉल्स है बेटा? मैम, बिकॉज होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर क्यों, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है उनकी, है? आपने ये ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा। होमोलोगस सीरीज मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, दीज आर होमोलोगस सीरीज। इनकी या मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये होमोलोगस सीरीज है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है? अब आंसर तो यही आना है बेटा, पूछना तो यही है। हाँ जी, देयर इज वन गर्ल। हाँ जी बेटा, आप बताइए। Because same functional group is present in homologous series. बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द, बैठो बेटा लिख लो यहाँ पे, वेरी गुड, राइट डाउन। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है बच्चे? On the mass. ऑन द मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास। तो जो होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आंसर डी आ गया, क्योंकि असर्शन गलत है। हाँ जी, सेवंथ किसका क्वेश्चन ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो गया होगा। चलिए, सोप्स के बारे में आपको नहीं पता था, आई विल टेल यू। अब मुझे ये बताइए, डू यू फाइंड एनी नोबल थिंग इन दिस लेक्चर, यस और नो? Yes. क्या आपको हमारे पढ़ाने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? रीजनिंग स्ट्रांग हो रही है कि नहीं? Yes. क्या आपको ऐसे ऐसे बेटा यस मेरे सामने नहीं बोलना, मैंने कौन सा पकड़ के कान पकड़ लेने आपके, और ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर मैं स्कूल में आऊंगी तो शायद आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू किस बच्चे ने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना हम, तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगी कि किस बच्चे ने मुझे कहा था, किसने नहीं। बट टेल मी क्लियरली कि क्या आज का जो लेक्चर हमने लगाया, आज के हमने 6 ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, क्या इनसे आपको कुछ फायदा हुआ है बेटा? एनी Yes, स्टूडेंट कम फॉरवर्ड जिसको फायदा हुआ है, बोलो फटाफट से। रीजनिंग स्ट्रांग हुई है, जब रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो क्या आपको क्रैमिंग की जरूरत पड़ेगी? नो। ठीक है, यही बेटा हमारे जो है वो मकसद है। इज इट ओके? ठीक है, तो इसलिए अब ये चैप्टर पढ़ के आना। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि मॉर्निंग की क्लास में तो हम, आई होप कि भी इवनिंग में मेरे पास दोनों सेक्शंस आएंगे, शुड आई डू समथिंग फ्रॉम हेरिडिटी? कुछ हेरिडिटी में आपको डाउट्स है? एक स्टूडेंट बताए मुझे, एक मुझे ऐसे समझ में नहीं आता। हाँ हाँ बोलो, जिसकी आवाज क्लियर। हाँ बोलो, हाँ We have lot of doubts in carbon and compounds and isomers are also not clear. So we अच्छा, इसी में want यही करें हम। चलिए फिर, आप डाउट्स मेरे से पूछेंगे कि मैं ही अपने डाउट्स पूछती रहूं आपसे? ठीक है, विल यू आस्क सम डाउट्स फ्रॉम मी? ओके नाइस।
तो है ना, फिर हम यही काम करेंगे। और फिर हेरिडिटी में से मैं डाउट्स पूछ लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से भी बहुत डाउट्स आपके निकलेंगे जब मैं पूछूंगी, ठीक है। बट इट विल बी टोटली नॉट आउट ऑफ सिलेबस, कुछ मैंने अपनी नॉलेज नहीं आपके सामने बतानी कि मुझे इतना पता है, ठीक है। इट विल बी टोटली फोकस्ड ऑन योर 10th बोर्ड्स, ओके, ठीक है। बाय बाय बेटा, ओके, बाय बाय, थैंक यू मैम।